हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने इस आर डिपो में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए हमारे महानिदेशक के नोटिस में भी ये बात ले आई गई है। जब जब भी कोई अधिकारी आते हैं वो कर्मचारियों के साथ एक भ्रष्टाचार के जरिए धन कमाने के लिए किसी न किसी तरीके के अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से अभी पीछे हमारे यार्ड मास्टर जो 83 थे उनकी पदोन्नति हुई, जिसमें कुलदीप पावड़ा भी शामिल थे। कुलदीप पावड़ा की महानिदेशक ने जब टेलीफोन करके और फैक्स भेज के उनकी जानकारी मांगी तो उसके ऊपर उसका पूरी तरह से रिकॉर्ड साफ दर्शाया गया। उसके कोई किसी प्रकार की अंडर रूल 7 या 4B की या 8 की कोई किसी प्रकार की चार्जशीट नहीं है। इसके बाद उनकी पदोन्नति कर दी गई। पदोन्नति के उपरांत एक इंक्रीमेंट दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक अनावश्यक दबाव बनाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया, जिसको शोकाज नोटिस बोलते हैं, टर्मिनेशन नोटिस है भाई, क्यों ना आपकी सेवा भंग कर दी जाए। और इसने कुलदीप पावड़ा ने तुरंत, उसको पता था कि भी ये एक अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, कोर्ट में गया और उसके ऊपर सटे ले आए। सटे की कॉपी इनके पास है। इसके बावजूद भी इन केसों की लगातार एक बार नहीं कई बार जांच पड़ताल हो चुकी है और जांच पड़ताल में कुलदीप पावड़ा बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं और उनके केस भी फाइल हो गए। लेकिन किसी न किसी रूप में एक कोई नोटिस इस प्रकार का कि एक दबाव बनाने के लिए वे किस प्रकार से कर्मचारियों से पैसे ऐंठे जाए, वो अब जब इनका प्रमोशन पे इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि लगने का समय आया तो ऑडिटर ने एक ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन लिख दिया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए और यदि वो रिकॉर्ड मतलब दफ्तर नहीं तो साफ सुथरा करके भेजा है, जिसमें हमारे महाप्रबंधक महोदय के भी और सभी अधिकारियों के साइन है। दूसरी तरफ जो अनावश्यक जो नोटिस दिया गया है जिसका सटे ऑर्डर कुलदीप के पास है, उसको लेके नए वेतन वृद्धि रोकने का एक दबाव बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारे रोडवेज के कर्मचारियों के जो ACP स्केल है उसका केस भी कोर्ट में हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया था, लेकिन उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी कर दिया कि भाई इस लेटर के तहत इन कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाना बनता है। बहुत सारे कर्मचारियों को तो वो लाभ दे दिया, लेकिन कुछ कर्मचारियों को आज तक भी वो लटक रहे हैं, लेकिन उनको ये लाभ अब तक इसलिए नहीं मिल पाया कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो पैसे का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए था वो नहीं चढ़ाया। मैं हमारे रोडवेज के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार का जो भ्रष्टाचार जो आज के दिन चल रहा है इसके ऊपर रोक नहीं लगी तो ये जो धरने प्रदर्शन जो हड़तालें जो मुख्य कारण है वो ये है कि जबकि सरकार ने हमारे महानिदेशक द्वारा एक लेटर जारी किया गया है भाई जिस कर्मचारी का जो लाभ सरकारी नियमों के तहत जो बनता है उसको तुरंत दे दिया जाए, यदि देरी की जाती है तो उसमें वो कर्मचारी जो उसको लाभ को रोक रहा है स्वयं जिम्मेवार होगा। लेटर तो है लेकिन उस लेटर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, महाप्रबंधक भी उनकी परवाह नहीं करते। और हालात ये है कि जो ACP हिसार में 40 कर्मचारियों के लगने थे उस ACP को लेके महाप्रबंधक यहाँ राहुल मित्तल थे, उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी और एक ऑडिट क्लर्क ने उसके ऊपर लिख दिया कि भाई एक महाप्रबंधक ने तो कहा है कि भाई ये ACP दे दिया जाए, दूसरे महाप्रबंधक ने कहा है ये ACP नहीं दिया जाए। दोनों महाप्रबंधकों का विरोधाभास है, इसलिए इनको ACP नहीं दिया जा सकता। हमने GM की मीटिंग में कहा कि यदि कोई नियम कानून कोई ऐसा है कि भाई इनको ACP नहीं दिया जा सकता तो वो फाइल के ऊपर दर्शाना चाहिए, लेकिन उसको ना दर्शा के सिर्फ अनावश्यक रूप से इन लाभों को रोकने का प्रयास किया जाता है। और प्रयास ही नहीं, ये सच भी है कि 1.5 साल से 40-50 कर्मचारी ये लाभ लेने से वंचित है और तरस रहे हैं। राहुल मित्तल यहाँ महाप्रबंधक थे, उन्होंने कमेटी गठित कर दी। कमेटी गठित करने के बाद कमेटी ने भी फैसला दे दिया
कि ये एसीपी के लाभ कर्मचारियों को देने बनते हैं, इसलिए ये लाभ दे दिए जाएं। अब हमारे जो इस आर डिपो में है, मैडम है अकाउंट ऑफिसर, हम जब भी मैडम के पास जाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई मुझे यूनियन वालों से डर लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक महिला होने का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और हम बार बार उनको कहते हैं कि हमारे घर में भी बाण है, माँ है, बेटी है, हम भी आपके भाई हैं, आप भी हमारी बहन हैं, कम से कम हमारी बैठ के बात तो सुना करो। लेकिन वो बिल्कुल इस और कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए हम मतलब है ना जब भी पूछते हैं तो वो कहती है जीएम से बात करो, जब जीएम से पूछते हैं तो वो कहते हैं एओ से बात करो, और उसका नतीजा ये है कि सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी आज तक एसीपी स्केल नहीं दिए जा रहे कर्मचारियों को। इसी प्रकार से चालक और परिचालकों के एसीपी स्केल हैं। अब एक परिचालक को 500 रुपये या चालक को किसी भी केस में रिकवरी होगी, अब उस रिकवरी केस का बहाना बना के और उसके ऊपर नोटिंग चढ़ाते हैं कि भाई आपको 500 रुपये की रिकवरी हुई है इसलिए आपको एसीपी का लाभ नहीं दिया जा सकता, उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाते हैं। और वो कर्मचारी एक तरफ तो उसने किसी भी कसूर में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये रिकवरी दे दी, और इसके बाद उसको मतलब जो 10 साल में एसीपी मिलने वाला होता है, उस छोटी सी सज़ा के, माइनर सज़ा के लिए उसके एसीपी को रोकने का प्रयास किया जाता है। यानी ये एक गोरख धंधा चल रहा है। सही मायने में पूरे प्रदेश भर में यदि इन सभी केसों की जांच की जाए, एक बहुत बड़ा घोटाला रोडवेज में उजागर हो सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जब सरकार कह रही है कि भाई ये लाभ दे दो, उच्च अधिकारी कह रहे हैं ये लाभ दे दो, और इसके बावजूद भी वो लाभ नहीं देते, तो उसके लिए आए दिन आंदोलन खड़े होते हैं, और आंदोलन खड़े करने की जो जिम्मेवारी है वो सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों की है, उस भ्रष्टाचार की है जो किसी ना किसी रूप में कर्मचारियों से पैसे ऐंठना चाहते हैं। और मैं तो यहाँ ये भी साफ करना चाहूँगा, इसमें कुछ लोग यूनियन के नेता भी शामिल हैं, इसमें कुछ महाप्रबंधक भी शामिल है, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे हुए वे लोग जिन्होंने कर्मचारियों के काम करने होते हैं वो काम नहीं करते, और यदि उनकी बदली कर दी जाती है तो उसके ऊपर भी कुछ लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। जो कर्मचारी, जो DI बढ़िया है, जो BI बढ़िया है, जो TI बढ़िया है, जो अच्छी अच्छी सीटों के ऊपर, महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठ के बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, कर्मचारी से कोई पैसे का लेन देन नहीं कर रहे, उनको महाप्रबंधक महोदय तुरंत बदलने का प्रयास करते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं उन भ्रष्टों को आगे फिर मौका देने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए हम इसकी उच्च अधिकारियों को एक शिकायत करेंगे, और शिकायत के बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम ये कहने चाह रहे हैं कि भाई पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो ACP स्केल बकाया है वो ACP स्केल दिए जाएं, और जो इस हार डिपो में जो कम से कम 1-1.5 साल से जो अकाउंट ऑफिसर या मतलब है ना जो हमारे RSO हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो ये काम पूरा कर दिया है, लेकिन कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन इस काम को पूरा नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इनके खिलाफ मतलब है ना उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ कोई भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी उच्च अधिकारी और डिपो प्रशासन की होगी।